हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है स्टैनले मिलर तथा हेराल्ड यूरो का प्रयोग। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। स्टैनले मिलर का प्रयोग, स्टैनले मिलर आज एक्सपेरिमेंट। दोस्तों शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हेराल्ड यूरे तथा स्टैनले मिलर ने सन 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किया, जिसको हम स्टैनले मिलर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। वो बैरिंग तथा हेल्डन की कल्पनाओं का कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। 1953 में स्टैनले मिलर ने पृथ्वी, जो प्रारंभिक पृथ्वी थी, उस टाइम की जो पृथ्वी थी जिनकी सोच वहाँ तक जाती थी, उस टाइम को पृथ्वी की अवस्था में एमिनो अम्ल का उत्पादन संभव जो हुआ था, और बताया था अम्ल का उत्पादन ऐसे हुआ कि इसी विचार में और इसी विचार में आपकी ये इकाई स्टैनले मिलर ने प्रयोग किया। तो आप लोग इसको पता करिए और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टैनले मिलर का प्रयोग किया था। चलिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले आदि वातावरण को की परिस्थिति को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया तथा जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोगशाला में जांच की। दोस्तों स्टैनले मिलर जो थे, स्टैनले मिलर एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे और इनका जन्म 7 मार्च 1930 को हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 20 मई 2007 को। ये एक अमेरिकन केमिस्ट थे हु मेड लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। दोस्तों इनका प्रयोग था कि मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का 2:1 के अनुपात में ली और गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड के द्वारा गर्म किया। देखो दोस्तों गर्म हो रहा है, इनका मिश्रण याद रखिएगा 2:1:2। ये बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे फ्लास्क में एक अदर फ्लक्स था, उस फ्लक्स में जल को उबालकर उसके जलवाष्प को लेकर बनाई और उसमें एक मुड़ी हुई कांच की नली लगाकर फ्लक्स में प्रवाहित किया। इसके उपरांत दोनों बने जो मिश्रण थे उनको कंडेंसर से जोड़ दिया। दोस्तों अब क्या होता है कि ठंडा मिश्रण एक यू आकार की नली में आ जाता है जहाँ पे गंदे लाल रंग का द्रव होता है। यह प्रयोग पूरे सप्ताह तक चलता रहा और इस प्रयोग से ज्ञात हुआ कि ग्लाइसिन, एलेनिन नामक एमिनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। जब ये पूरे हफ्ते प्रयोग चला तो इतने अमीनो एसिड्स का निर्माण हो गया। इसी प्रकार अनेक वैज्ञानिक जैसे सिडनी फॉस, केल्विन तथा मेल्विन आदि के प्रयोगों के द्वारा अनेक एमिनो अम्ल तथा जटिल यौगिकों का संश्लेषण किया। इन्हें अनुरूपण का प्रयोग भी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो में अगर जानकारी ना हो तो फिर कमेंट करिएगा। अगला वीडियो आएगा टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।